بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. سورة يونس کی آيات كريمة آيات نمبر 90 سے आयत नंबर 97 तक तिलावत की गई और इन आयात करीमा का तर्जुमा अब पेश किया जा रहा है। और हमने बनी इसराइल को समंदर पार करा दिया तो फिरौन और उसके लश्कर जुल्म व ज़ियादती के लिए ताकुब में निकले, यहाँ तक कि फिरौन और उसके लश्कर को डुबो दिया गया। जब फिरौन डूबने लगा तो चीखने लगा, मैंने मान लिया, इसके अलावा कोई माबूद नहीं जिसको बनी इसराइल मानते हैं और मैं मुसलमान हो गया। फरमाया गया कि अब ईमान लाता है, इससे पहले नाफरमानियां करता रहा और फसाद मचाता रहा। अब आज तेरे जिस्म यानी तेरे लाशे को हम पार लगाएंगे ताकि तू बाद वालों के लिए इबरत की निशानी हो। बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। हमने बनी इसराइल को अच्छा मकाम दिया और उन्हें पाकीज़ा रिस्क से नवाजा। फिर इल्म आने के बाद वो इख्तलाफात में पड़ गए। तुम्हारा रब उनके इख्तलाफात के बारे में क़यामत के दिन फैसला फरमाए। अगर तुम्हें इसमें कोई शक हो जिसको हमने तुम पर उतारा है तो उन लोगों से दरियाफ्त करो जो तुमसे पहले से किताब इलाही पढ़ रहे हैं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हकीकी बातें आ गई हैं और इसमें हरगिज़ किसी बहस व जिदाल की गुंजाइश नहीं। तुम्हें उन लोगों में नहीं होना है जो आयात इलाही की तकजीब करते हैं, वरना तुम खसारे में पड़ जाओगे। जिन लोगों के बारे में तुम्हारे रब का फैसला हो चुका है वो चाहे कितनी निशानियां देख लें उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक अलमनाक सजा न देख लें। सूरह यूनुस की ये जो आयत करीमा अभी पढ़ी गई है इसमें अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात का वो दौर जिक्र किया जा रहा है जिसमें उन्होंने मिस्र से जज़ीरा नुमाया सीना की तरफ हिजरत फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम जब बहसियत एक पैगंबर के फिरौन के पास पहुंचे थे और उसको तौहीद की दावत दी थी और ये कहने
कहने पर कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं और अल्लाह की तरफ से निशानी लाया हूं। फिरौन ने कहा था कि वो निशानी दिखाओ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी थी जो एक अजदा बन गई थी, और जब फिरौन की तरफ वो अजदा बढ़ने लगा तो उस पर खौफ तारी हुआ, तख्त छोड़कर वो पीछे हटने लगा और साथ साथ चीखने लगा कि तू जादू सीख कर आया, तो मेरी हुकूमत पर कब्जा करना चाहता है, तो यहाँ के लोगों को उनके मजहब से हटा देना चाहता है। और उसके बाद फिर यह बात हुई थी कि जादूगरों से तेरा मुकाबला करवाऊंगा और तुझे जलील कर दिया जाएगा। फिर जिक्र आ चुका है कि जादूगर बुलाए गए थे, मिस्र के बड़े बड़े जादूगरों को तलब किया गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उनका मुकाबला कराया गया। और इस मुकाबले में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों के अपनी लाठियां और रस्सियां डालने के बाद और मैदान के इस मंजर के बाद के हर तरफ सांप रेंग रहे थे, अपनी लाठी डाली तो एक अजदहा बन गई और उस अजदहे ने एक फुकार में एक सांस में उन सारे सांपों को अपने अंदर ले लिया। ये मंजर था जो लोगों को दिखाया गया, उनके जादू का खात्मा कर दिया गया और जादूगरों ने फौरन महसूस कर लिया कि ये जादू नहीं, मूसा ने जिसका मुजाहरा किया है वो जादू नहीं। जादूगर जानते थे कि जादू कैसा होता है, जंतर मंतर की क्या क्या शक्लें हैं और क्या मुजाहरे होते हैं और उन मुजाहरों के क्या असरात होते हैं, नज़रबंदी कैसे की जाती है। लेकिन वहाँ अब मसला नज़रबंदी का नहीं था, उन्होंने अपनी आंखों से एक हकीकत देख ली थी, इसलिए वो एक अजीब लम्हा था कि जब वो बेसाख्ता सजदे में गिर पड़े थे और रो रहे थे, तड़प रहे थे और कह रहे थे कि मैंने तो हम लोगों ने मूसा के रब को मान लिया, अल्लाह को मान लिया, अल्लाह का मौजजा देख लिया। और फिरौन ने जब उनके खिलाफ धमकियां देना शुरू की, उन्होंने चीखने लगा तुम लोग साजिश करके आए, ये तुम्हारा गुरु है, मतलब उसके चेले हो और तुम अपनी साजिश से ये चाहते हो कि हमारी सियासत में तब्दीली ले आओ और मुल्क तुम्हारे हाथ में आ जाए, हाथ पैर कटवा दूंगा तुम्हारे। तो उस वक्त उन जादूगरों के ईमान का एक ऐसा मौजजाना मंजर सामने आया, मौजजे ने उनके अंदर मौजजे की एक ऐसी कैफियत पैदा कर दी कि वो मुखातब हुए फिरौन से और कहा कि जो करना है आपको कर लीजिए, हम अपने ईमान को छोड़ नहीं सकते। ईमान जो ताकत अदा करता है वो हैरत अंगेज ताकत होती है, जब ये हकीकी ईमान होता है, जो ईमान अंबिया को दिया जाता है और फिर जो ईमान अंबिया के जरिए सिद्दीकीन को दिया जाता है, और ये ईमान के जिसकी खातिर जान देने वाले शुहदा बनते हैं, और ये ईमान जिससे लोगों को सलाह नसीब होता है वो सालिहीन बनते हैं, औलिया अल्लाह बनते हैं। ये ईमान एक ऐसी हकीकत होता है कि इसके सामने पहाड़ टल जाएं और दरिया पट जाएं और मसाफतें सब समेट दी जाएं, सितारे टूट जाएं, कुछ भी हो जाए, इस ईमान को मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता। आखिरी बात ये होती है कि ईमान को धमकियां दी जाएं और मोमिन को डराया जाए और फिर उसकी जान पर हमला किया जाए, ये हो सकता है कि उसकी जान चली जाए, लेकिन वो अपने ईमान को देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो फतेह हासिल हुई और उनका मौजजा जिस तरह से उस वक्त की ताकत के सामने, इख्तदार के सामने आया और अवाम की जो भीड़ लगी हुई थी स्टेडियम में जो इस नजारे को देख रही थी, वो जिस तरह सन्नाटे में आ गए, सकते में आ गए, और ये उन्होंने महसूस कर लिया कि फिरौन को शिकस्त हो गई, जादूगरों का जहाँ तक ताल्लुक था जिनकी एक हैबत थी, लोग उनसे डरते भी थे, उनको सजदे में देखा कि वो ईमान ले आए, तो अब सूरत हाल ऐसी थी कि पूरे मुल्क में एक लहर चलेगी ईमान की और इनकलाब आ जाएगा। अब इस इनकलाब पर रोक लगाने के लिए फिरौन ने सख्त तरीन धमकियां दी, सख्त ऑर्डर दिए, सख्त फरामीन जारी की और ऐसी दहशत पैदा कर दी कि कोई हिम्मत ना कर सके। और इसीलिए फरमाया गया कि कुछ नौजवान हजरत मूसा की कौम के थे जो इस दहशत ज़दा माहौल में ईमान से मुशर्रफ हुए, यानी जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान
कबूल किया और सबसे पहले वो आगे बढ़े और अस्साबिकून अल अव्वलून में शामिल हो गए। फिर धीरे धीरे जाहिर है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की इसलाह के लिए खासतौर पर तशरीफ लाए थे और फिरौन से उनका ये मुतालबा था कि मेरी कौम बनी इसराइल को मेरे हवाले किया जाए। अकलियत पर बहुत जुल्म हो चुका, बहुत सताया जा चुका, बहुत अफराद मारे जा चुके, लेकिन अब अल्लाह ताला ने मुझे इसी मिशन के लिए भेजा है कि मैं इस्लाह का काम करूं और इस कौम को बनी इसराइल को मेरे हवाले किया जाए ताकि मैं अल्लाह का कानून इन पर नाफिस करूं। ये एक ऐसा चैलेंजिंग मुतालबा था जिसको फिरौन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि रिएक्शन और सख्त हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक मिस्र में रहे, अपना काम करते रहे। फिरौन में ये हिम्मत तो थी नहीं कि हजरत मूसा पर हाथ उठा देता, उनके खिलाफ कार्रवाई करता और उधर अल्लाह ताला की तरफ से थोड़े थोड़े अरसे पर कोई ना कोई ऐसी निशानी जाहिर होती थी, एक ऐसा अजाब मुसल्लत होता था जिससे पूरी कौम तड़प उठती थी। कभी जुओं का अजाब आया और कभी खून का अजाब आया और कभी मेंढक का अजाब आया और कभी टड्डी दल का अजाब आया, मुख्तलिफ शक्लों में एक एक लंबे वक्फे के बाद कोई इस तरह का अजाब आता और ये अजाब पूरी कौम को दहला देता और फिरौन का भी हाल ये होता था कि वो मजबूर होकर हजरत मूसा से दरख्वास्त करता, उनके पास अपने आदमी भेजता कि आप दुआ करके इस अजाब को टलवा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। लेकिन जब अजाब टलता तो उसके बाद फिर वही अकड़, फिर वही तकब्बुर, फिर फिरौनियत। ये आमतौर पर दुनिया के काफिरों मुनकरों का हाल रहता है कि इबरत की कितनी निशानियां देख लें और कितनी मरतबा अजाब झेल लें, फिर उसके बाद पलट पलट के वही करते हैं। फितरत बदलती नहीं, मिजाज बदलता नहीं। तो ये सब किस्सा चलता रहा और फिरौन की ये कोशिश रही कि अगर हम मूसा को मान लेंगे और हमारी कौम के लोग तस्लीम कर लेंगे तो सारा निजाम बदल जाएगा, फिर न हुकूमत रहेगी, न सियासत रहेगी, न क्यादत रहेगी, न दौलत रहेगी, हमको ताबे बनना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे मक्का मुकर्रमा में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देते थे और जो वहाँ के सरदार थे वो ये महसूस करते थे कि अगर हम इन पर ईमान ले आए, हमने अल्लाह को मान लिया और मोहम्मद को मान लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हमारी इजारादारी कहाँ बाकी रहे। इसलिए जिद में, इनाद में, हसद में और इस मकसद की खातिर कि उनकी चौधराहट और सियादत खत्म न हो, वो अपने बातिल पर अड़े हुए थे। وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا। अल्लाह फरमा रहा है कि उनके दिलों के अंदर यकीन था, वो जानते थे कि उनका जमीर ईमान के लिए मजबूर हो रहा है लेकिन वो इनकार करते थे सिर्फ जुल्म की वजह से, जाति की वजह से और हद से बाहर निकलते हुए। तो जबान कुछ और कहती थी और जमीर कुछ और कहता था, दिल कुछ और कहता था। जो लोग भी हासिद होते हैं और जिद्दी होते हैं उनका यही हाल होता है कि उनका दिल मानता है लेकिन वो अपनी जबान से ईमान का इजहार नहीं करते। तो एक अरसा गुजरा, कुरान पाक से या तौरात से हमें वाज़े तौर पर ये नहीं मालूम होता कि कितने साल गुजरे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हिजरत पर कब मजबूर होना पड़ा या अल्लाह की तरफ से कब ये हुक्म आया कि अब मिस्र छोड़ दिया जाए। जो हुज्जत कायम करनी थी वो कायम की जा चुकी और जब हुज्जत कायम हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से फैसला होता है कि जो मुकाबिल में दुश्मन है उनको सजा दी जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि अब आप मिस्र छोड़ दें और अल्लाह ही की तरफ से ये तजवीज़ किया गया कि जज़ीरा नुमाया सीना में, जो आज़ाद इलाका है जहाँ किसी की हुकूमत नहीं है, मुख्तलिफ कबाइल इधर उधर आबाद रहते हैं, वहाँ चले जाए ताकि आज़ादी के साथ आप अल्लाह ताला के उस निज़ाम को इस कौम पर नाफिस करें, एक गोया इस्लामी रियासत वजूद में आ सके। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दे दिया कि अब वो धीरे धीरे मुल्क से निकलते रहें,
ये जैसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा के मुसलमानों को बता दिया था कि हिजरत का वक्त करीब है, वो धीरे धीरे मदीने मुनव्वरा जाएं। बस इसी तरह यहाँ पर भी हजरत मूसा ने उनसे फरमा दिया था कि वो जज़ीरा नुमा सीना का रुख करें, तो खुश्की के रास्ते से और कोई समंदरी रास्ते से रुख करता रहा करता रहा। आखिरी जो काफिला था वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का था और उनके साथ अच्छी खासी तादाद में बनी इसराइल के अफराद थे, और उनको मिस्र छोड़कर जज़ीरा नुमा सीना जज़ीरा नुमा सीना जो जाना था, तो दर हकीकत ये जज़ीरा नुमा सीना है, ये जज़ीरा नुमा सीना है और ये मिस्र है। इस मिस्र और जज़ीरा नुमा सीना के दरमियान बहर अहमर की ये आबना है, ये बहर अहमर है पूरा। इस बहर अहमर की ये मगरबी आबना है, यानी ये कहिए कि समंदर का एक हिस्सा यहाँ तक चला गया है, उसके बाद खुश्की है। तो जो लोग खुश्की से जाना चाहते थे वो शिमाली रुख पर जाते हुए फिर शिमाली रुख से जज़ीरा नुमा सीना में दाखिल होते, फिर जिस खत्ते में भी उनको जाना होता उसका फैसला करते। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास इतना वक्त नहीं था कि वो इतना लंबा सफ़र शिमाल का करें, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो सीधे आगे बढ़ते चले जाएँ और फिर इस जज़ीरा नुमा सीना की के और मिस्र के दरमियान की जो आबना है इसको पार करेंगे। ख्याल होगा कि कश्तियाँ मिल जाएंगी, जैसे मिल जाया करती थी, तो कश्तियों पर सफ़र होगा। लेकिन जिस वक्त वो साहिल पर पहुँचे थे उस वक्त फिरौन अपने लश्कर को लेकर ताकुब में आगे बढ़ा था, और यहाँ तक कि हजरत मूसा के साथ बनी इसराइल के जो लोग थे उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा तो देखा कि फिरौन का लश्कर हमला आवर, और उस वक्त वो इतना घबरा गए, इतना सहम गए, कहने लगे इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम पकड़े, अब तो हम मारे। तो हजरत मूसा ने उस वक्त उनको इत्मीनान दिलाया, इन्ना मईया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है वो रहनुमाई करेगा। और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि मूसा वही लाठी जो तुम्हारे हाथ में है उसको इस पानी पर मारो। जब उन्होंने पानी पर एक जर्ब मारी तो पानी फट के उधर कटा इधर कटा, एक दीवार से पानी की खड़ी हो गई, उधर खड़ी हो गई इधर खड़ी हो गई, बीच में चौड़ा रास्ता पैदा हो गया जिससे हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर जज़ीरा नुमा सीना में आ गए। और जब फिरौन ने ये मंजर देखा तो अपने जुनून में उसने ये समझा कि इस रास्ते को हम भी पार कर लेंगे, और जब वो इस रास्ते में दाखिल हुआ अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ उसी पानी को जिसको खड़ा कर दिया गया था अल्लाह की कुदरत से, कि अब थपेड़ों और मौजों की शिद्दत और तुग़यानी से इन सब को डुबो दिया जाए। तो पूरी फौज फिरौन की फिरौन समेत यहाँ डुबो ही गई, तड़पा के मारा गया। ये वो वक्त था जब फिरौन ने डूबते हुए चीख कर कहा मैं ईमान ले आया, मैं मुसलमान हो गया, मैंने मान लिया मूसा के रब को। जाहिर है कि अब तो मंजर ऐसा था कि आंखों से दिख रहा था, जो गैब में था वो हाजिर हो गया था, उस वक्त का ईमान मोतबर होता नहीं, तो अल्लाह की तरफ से डांटा गया कि अब ईमान लाता है मुजरिम, तो फसाद मचाता रहा कत्ल करता रहा और अब ईमान लाता है, अब तो तेरी लाश को हम महफूज करवा देंगे ताकि हमेशा के लिए तू इबरत बना रहे। और तहकीक से ये बात साबित हुई, इस सिलसिले में जो तहकीकात की जाती रही हैं मुख्तलिफ तहकीकात जो इस सिलसिले में हुई हैं और टीमें अंग्रेज़ों की भी आती रही हैं जिन्होंने इस बात की तहकीक करने की कोशिश की कि फिरौन की जो लाश है वो वाकई उसी फिरौन की है कि नहीं है। एक सर ग्रॉफ्टिन एलिट स्मिथ का नाम जिक्र किया गया है, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने अपनी तफसीर में बताया कि 1907 में उसने उस लाश का जायज़ा लिया जिस पर ममी की गई थी, यानी पट्टियां बांधी जाती थी, इस तरह के लाश सालों क्या हज़ारों साल महफूज रहे और लाश वो महफूज है। तो जब पट्टियां खोली थी उस लाश की तो उस लाश पर नमक की एक तह जमी हुई पाई गई थी जो खारी पानी में उसकी गरकाबी की एक खुली अलामत थी। अब ये जो जगह है इसके बारे में ये कहा जाता है कि जज़ीरा नुमा सीना के मगरबी साहिल पर, यानी जज़ीरा नुमा सीना का ये जो मगरबी साहिल, ये मशरिकी साहिल है, इधर एक आबना है
जिस अपनाए का वकू उर्दुन से और सीना से मुत्तसिल है, एक तरफ उर्दुन का इलाका है और एक तरफ जज़ीरे-नुमा सीना है, और यहाँ एक तरफ जज़ीरे-नुमा सीना है और फिर मिस्र का इलाका है। लाश के बारे में यह कहा जाता है कि इस मगरबी साहिल पर लाश मिली थी, और ये लाश जो मिली थी तो उस जगह का नाम, क्योंकि वहां पहाड़ है, जबल फिरौन रख दिया गया। वहीं पर एक गर्म पानी का चश्मा है, गर्म पानी का ऐसा चश्मा है कि जिसको इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पानी को इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका नाम भी लोगों ने हम्माम फिरौन रख दिया, उस चश्मे का नाम। तो यहां से वो लाश उठाई गई, और जाहिर है कि मिस्र में लोग तो सब थे ही, मिस्र की फौज और मिस्र की जो ताकत थी बुनियादी वो टूट गई थी। इस तरह मिस्र आजाद हो गया था फिरौन से और फिरौन के लश्कर से और उसकी ताकत से मिस्र को आजादी मिल गई थी, और रह गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ कौम के लोग, वो जज़ीरे-नुमा सीना में आकर आबाद हो गए थे। फिर उसके बाद एक अरसे तक उन्हें यहाँ रहना पड़ा, बाद में फिर यहाँ से सीरिया के अंदर, यानी जॉर्डन सीरिया का एक हिस्सा है, पैलेस्टाइन सीरिया का एक हिस्सा है, ये पैलेस्टाइन है और ये जॉर्डन है, तो वो फिर शाम में दाखिल हुए। और जाहिर है कि शाम की वो सरजमीन जो फिलिस्तीन की है उसमें फिर उनको अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी नेमतें मिली, बड़ी राहतें मिली, बड़ी इज्जतें मिली। लेकिन जो दौर उन्होंने जज़ीरे-नुमा सीना में गुजारा ये एक आजमाइशी दौर था, और चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि तुम्हें जिहाद के लिए आगे बढ़ना है और फिलिस्तीन को फतेह करना है, तो उन्होंने ये कह दिया हजरत मूसा से कि हमारे अंदर तो ये हिम्मत नहीं है कि हम फिलिस्तीन के जबरदस्त लोगों से जो उस वक्त के मुशरिक थे मुकाबला करें, आप जाइए आपका रब जाए। ये वो बात थी जो उन्होंने कही, जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से फैसला हुआ कि इनसे कह दीजिए कि अब तुम यहीं पर 40 साल इसी तरह भटकते रहोगे, तुम्हें 40 साल तक अब ये इसी जज़ीरे-नुमा सीना में रहना होगा, और अल्लाह की तरफ से एक सजा है तुम्हारे लिए, 40 साल के बाद तुम्हारी जो नई नस्ल इस सहराई माहौल में तैयार होगी इससे तवक्कु की जाएगी कि ये फिलिस्तीन को आजाद कराए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इसी जज़ीरे-नुमा सीना में इंतकाल हुआ, और उनके खलीफा हजरत यूशा का जब दौर आया है 40 साल के गुजरने के बाद, तब हजरत यूशा की क़यादत में जिहाद हुआ जिसके नतीजे में फिलिस्तीन को आज़ाद कराया गया। ये एक तारीख है। तो अब यहाँ इन आयात में अल्लाह ताला की तरफ से बात इरशाद फरमाई गई है कि हमने फिरौन को तो डुबो दिया, और जब उसको डुबोया जा रहा था तो वो चीख रहा था और कहता था आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इस्राइल ने जिसको माना, जो उनका खुदा है मैं भी उसको मानता हूं, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। कल तक जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूं तुम्हारा रब, मैं हूं मालिक, जो ये कह रहा था, गुर्रा रहा था, आज उसकी सूरत हाल ये है, जब डुबोया जा रहा है, तड़प रहा है, और उसके मुंह में जिस्म के हिस्से में पानी जा रहा है, और अब डूबा तब डूबा और खात्मा हो रहा है, तो अब वो कहता है मैं ईमान लाया। मालूम हो जाना चाहिए कि ईमान का वक्त वो होता है जब इंसान अपने शबाब में हो, उसके पास इख्तियारात हो, तो अल्लाह को माने, क्योंकि अल्लाह ही इस कायनात का मालिक और खालिक है। जो मजबूर होकर, बीमार होकर, तड़प कर, जब उसके हाथ में असबाब न रह जाए अल्लाह को माने, तो उस मानने को मानना नहीं कहते, और ऐसा मानना कबूल नहीं किया जाता जब गैब शुहूद बन जाए। ईमान बिल गैब का मुतालबा है कि तुम अल्लाह को देख नहीं रहे हो लेकिन अल्लाह की तजल्लियात हर तरफ देख रहे हो, हर जर्रा, हर पत्ता, हर बूटा, पानी का हर कतरा अल्लाह की गवाही दे रहा। अगर तुम्हारे अंदर ये फहम नहीं है, इतना कॉमन सेंस नहीं है, तो तुम जानवर हो, तुम मिट्टी हो, तुम इसी काबिल हो कि बस तुमको कहीं भी फेंक दिया जाए। तो फरमा दिया गया आल आन वक़द आसैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अब ईमानदार रहा है, खूब नाफरमानी करता रहा, खूब फसाद मचाता रहा, खूब तबाही करता रहा, अब हम तो तेरी लाश को महफूज करवा देंगे ताकि बाद की नस्लों के लिए तू इबरत का नमूना बना रहे। लोग हमारी आयतों पर गौर नहीं करते, निशानियों को नहीं देखते, और
जो अल्लाह ताला ने बात फरमाई तो वाकया ये है कि लाश मिली, महफूज की गई। कदीम जमाने से मिस्र में ये तरीका चला आ रहा था कि जिन लाशों की हिफाजत की जाती थी, खासतौर पर बादशाह और शहजादे और बड़े लोगों की, तो उन पर एक खास किस्म की केमिकल पट्टी, केमिकल इस्तेमाल की हुई पट्टी चढ़ाई जाती थी जिससे जिस्म महफूज हो जाता है, जिस्म गलता नहीं है, खत्म नहीं होता है। तो वो पट्टी उसके जिस्म पर भी चढ़ाई गई और उसको महफूज किया गया। आज काहिरा के म्यूजियम में फिरौन की लाश महफूज है और मौजूद है। जो बात अल्लाह ताला ने फरमाई थी कुरान पाक में, जिसका तज़किरा फरमाया गया, वो अल्लाह ने दिखा दिया, वो निशानी है। कुरान पाक में जो बात फरमाई गई है एक जीती जागती निशानी है, और मिस्र के म्यूजियम में दुनिया के सयाह आते हैं और फिरौन की लाश को देखते हैं। उसके बारे में यहूदियों ने, ईसाइयों ने बड़ी तहकीकात की हैं, मकाम की भी तहकीकात की गई हैं और लाश की भी पट्टियां उतार कर चेक किया गया है। और उसके बाद ये तकरीबन तय हो गया है सभी के नज़दीक, एक तयशुदा हकीकत है कि ये फिरौन की लाश है। और ये फिरौन वही है कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ अपनी पूरी मुहिम चलाता रहा और बनी इसराइल के बच्चों को मरवाता रहा, जिसने बेइंतहा मजालिम किए, ये वो फिरौन था। किसी ने इसका नाम रामसीस और किसी ने मनफता, मुख्तलिफ नाम जिक्र किए गए हैं, वो हमारे लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। उस दौर की जो तारीख है, सच्ची बात यह है कि बहसियत तारीख के तो वो महफूज नहीं है, और तौरात में जो कुछ है उसमें बड़ी तहरीफात हुई हैं, और तौरात में तो इसका भी तज़किरा नहीं है कि फिरौन ने चीखते हुए ये कहा मैं ईमान ले आया, इसका तौरात में जिक्र भी नहीं है। इतना अहम वाकया है लेकिन इसका तौरात में तज़किरा नहीं। तलमूद में जो तौरात की शरह है उसमें ये अल्फाज आए हैं कि फिरौन ने कहा मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, ए खुदा वंदा, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। यानी कुरान में जो अल्फाज आए हैं वो तलमूद में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि तौरात से वो मिटा दिए गए, तौरात में नोट नहीं किए गए। और क्योंकि तौरात वो नहीं है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, बल्कि जो तौरात यहूदियों के पास मौजूद है ये बाद में लिखी गई है। तो बहरहाल तौरात और कुरान का जब भी मुआजना किया जाता है तो बहुत से खला तौरात में नजर आते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनका तज़किरा कुरान में है और तौरात में नहीं है। इसी तरह बहुत से ऐसे किस्से और अफसाने तौरात में है, कुरान जिनसे महफूज है, क्योंकि कुरान अफसानों की किताब नहीं है, किस्सों कहानियों की किताब नहीं है। और कुरान की सारी तवज्जो इबरत के मौजू पर होती है। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अल्बाब, कुरान में बात वज़ाहत से कह दी गई कि जो वाक़यात बयान किए गए हैं वो इबरत के लिए बयान किए गए, सबक देने के लिए बयान किए गए और इस्लाह के लिए बयान किए गए, वो महज किस्सा गोई के लिए नहीं बयान किए गए। वर्ष के ये इस हकीकत का इजहार फरमाया गया। और उसके बाद फिर आगे चलकर अल्लाह ताला ने अपने एहसान का जिक्र किया कि हमने फिर बनी इसराइल को बाद में बेहतरीन मकाम अता किया। एक तो जज़ीरा नुमा सीना में भी कोई शक व शुबा नहीं है कि उनके लिए बहुत ही बेहतर इकामत की जगह थी, कि जहाँ न कोई दहशतगर्द हुकूमत थी और न उनके खिलाफ जुल्म करने वाला कोई शख्स था, अब आज़ाद थे। एक अलग बात है कि मिजाज का जो बिगाड़ था उसमें कभी मन्नो सलवा पर वो अपनी बेसब्री दिखाते थे कि बहुत हो गया, कब तक मन्नो सलवा इस्तेमाल करेंगे, हमें तो दाल याद आ रही है और लहसुन और प्याज याद आ रही है, चटनियाँ याद आ रही। ये जाहिर है कि बेतरबियती का जो हाल था, एक तवील अरसा जो उन्होंने फिरौन की हुकूमत को गुजारा, जो अकलियतें ऐसे काफिराना और मुशरिकाना निज़ाम के मातहत रहती हैं, उनका जहन बदल जाता है, दिल बदल जाता है, तहजीब बदल जाती, सोच बदल जाती, गुलामाना जहनियत पैदा हो जाती और वो गालिब कौम की नक्काली करती है। हिंदुस्तान में जो मुसलमान बस रहे हैं उनके आंखों के सामने है ये सारी कहानी। सिर्फ 70 साल के अरसे में लाखों इंसान बदल गए, लिबास बदल गए, कल्चर बदल गया, तहजीब बदल गई, जहन बदल गया, तालीम बदल गई, सियासत बदल गई, क्या बाकी रहा इतनी थोड़ी सी मुद्दत में।
इतनी जबरदस्त तब्दीलियां आई कि जो भी जायजा लेना चाहे वो जायजा ले सकता है। और इतना तो सभी जानते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई थी तो उसमें ये बात दिखाई गई थी कि मुसलमान शूद्रों से भी बदतर हो चुके हैं, यानी उनकी जो हैसियत है वो इतनी गिर चुकी है माशी एतबार से, सकाफती एतबार से, तालीमी एतबार से, ये सबसे ज्यादा गिरी पड़ी कौम से भी वो नीचे चले गए। तो कोई सोच नहीं सकता था कि ये होगा, लेकिन ये तब्दीलियां आती हैं। और जब ये तब्दीलियां इतने दिनों तक आ गई, जब बजाहिर माहौल ऐसा उन्हें लगता था कि आजाद है और सेकुलर है, तो अब जो तब्दीलियां शुरू हुई हैं ये कहां तक पहुंचाएंगी, इस पर गौर करने की जरूरत है। बहरहाल अल्लाह ताला ने जब ये फैसला फरमाया था कि अब बनी इसराइल को आजाद कर दिया जाए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल को जज़ीरे नुमा सीना में मुंतकिल कर दिया गया था, जब आजादी की सांस ली उन्होंने। अब वो किसी जालिमाना हुकूमत के मातहत नहीं थे, अपने इख्तियार से जो चाहते कर सकते थे। और फिर अल्लाह ताला ने उनको बेहतरीन रिस्क अता फरमाया। सबसे बड़ी बात है कि बगैर खर्च किए हुए और बगैर जद्दोजहद किए हुए मन्नो सलवा उनको मिलता रहा। एक तरफ बटेर की तरह के परिंदे खाने को मिलते रहे, और ऐसी एक ओस की शक्ल में जो चीज़ गिरती थी गोंद की तरह, और वो दरख्तों पर, पत्तियों पर, ज़मीन पर भी होती थी कि इस तरह के जैसे छोटे छोटे चने हों, और उनको लेकर कूट कर उससे मीठी रोटियां तैयार कर ली जाती थी। ये दो नेमतें उनको मुसलसल अदा की तरफ से मिल रही थी, और फिजा से ये नेमतें उनको फराहम की जा रही थी। उन्होंने उस पर बेसब्री का मुजाहरा किया। ये जाहिर है कि उनकी बेतरबियती का नतीजा था और हिर्स का नतीजा था। और इसी तरह जब वो एक ऐसी जगह से गुजरे थे जहाँ पर बुतों की पूजा हो रही थी, एक मेला लगा हुआ था और एक महादेव की तस्वीर थी और लोग जमा थे, तो उन्होंने हजरत मूसा से ये मुतालबा तक कर दिया, हमारे लिए भी कोई ऐसा स्थान बना दिया जाए। बिगाड़ के नतायज क्या होते हैं, कहाँ कहाँ तक कौम पहुँचती है। हमने देखा कि दिवाली मनाई जा रही है तो हमारे यहाँ भी पटाखे छोड़े जाने लगे, दिवाली मनाई जाने लगी। देखा कि वहाँ मूर्ति पूजा हो रही तो हमारे यहाँ भी कब्रों की पूजा शुरू कर दी गई। देखा कि वहाँ के मेले ठेले तो हमारे यहाँ भी कोई ना कोई शक्ल उर्स की पैदा कर दी गई, नक्काली की गई। जाहिर है कि वो दीन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अता फरमाया और जिसको मदीना मुनव्वरा पर नाफिस फरमाया, फिर वही पूरे जज़ीरतुल अरब में नाफिस हुआ, वो असल दीन है। वो दीन नहीं है जो अलग अलग इलाकों में जो वहाँ की गालिब कौमों के साथ रहते रहने की वजह से पैदा हुआ। रस्मों वाला दीन, रिवाजों वाला दीन, नक्काली वाला दीन और तासुर वाला दीन, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला दीन, एहसास कमतरी वाला दीन, मलगोबा, एक माजून मुरक्का। तो दुनिया की जो कौमें अपनी अपनी जगह बसती हैं वहाँ पर जब मुसलमान कमज़ोर पोजिशन में हुए तो उन्होंने असरात कबूल किए। शुरू में जब वो एक गालिब की हैसियत से, फातह की हैसियत से थे तो अपने असरात छोड़े, उन्होंने लोगों का जहन बदल दिया, मज़हब बदल दिया, फिक्र बदल दिया, दावत से, अपने अखलाक से, अपने इल्म से। और जब उन्होंने अपना रابطہ अपने दीन से काट लिया और खुद जाहिल बन गए, तो बस फिर उसके बाद रस्मों की यलगार हुई और रिवाज उनके दीन में दाखिल हो गए। और यही नहीं हुआ, गालिब कौम के सामने वो ऐसे खादिम और गुलाम और छोटे और हकीर बन कर रहे कि बस जो भी असर उधर से पड़ा पड़े उसको कबूल करने लगे, उन्हीं को अपना बड़ा मानने लगे। वो लीडर हो गए इनके, वो रहनुमा हो गए, वो रहबर हो गए, वो कायद हो गए, उनकी पार्टियों के साथ शामिल हो गए, उनके मैनिफेस्टो को गोया कुरान बना लिया। ये वो हकीर जहनियत है, ये ऐसे जलील लोग हैं कि जब उनके दिमागों पर इस तरह गलबा होता है तो वो आखिरी दर्जे के गुलामों से बदतर हो जाते हैं, जानवरों की जिंदगी गुजारते हैं। ये सूरत हाल आज मुसलमानों की इस मुल्क में है कि उनका कोई ऐसा कायद नहीं है जिसके हाथ में सियासत की बागडोर हो जो उनको उस रास्ते पर ले जाए जिस रास्ते पर तरक्की याफ्ता कौमें फायज हैं।
और चल रही है और उनको बताया कि उनके लिए उस तरक्की का कौन सा लाए अमल है कि जिसमें दुनिया भी इंसान के हाथ में आती है और आखिरत भी हाथ से जाती है। ये मैदान है जो खाली हो गया है, तो सबक लेने की जरूरत है। बनी इसराइल से और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ भी कोशिश फरमाई, मिस्र में जो काम किया, फिर जज़ीरे नुमा सीना में उनकी तरफ से जो हिदायत दी जाती रही और अल्लाह की तरफ से उनको तौरात अता फरमाई गई, तौरात को उन्होंने नाफिज करना शुरू किया, लेकिन लोगों का जो हाल रहा, अब मुखातब किया जा रहा है, जाहिर है जो कुरान में जब मुखातब किया जाता है तो नबी भी मुखातब होते हैं, लेकिन जिस तरह की आयत होती है, जो मौजू होता है, उस मौजू से मुतालिक जो शख्स होता है असलन वो मुखातब होता है। लेकिन नबी के ईमान का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, और नबी को तो कभी अपने ईमान में कोई शक व शुबा पैदा हुआ ही नहीं, लेकिन नबी को सुना कर दर हकीकत दूसरों को सुनाया जाता है। फैन कुंत फी शक मिम्मा अंजलना इलैक, इंसान अगर तुझे शक है इसमें जो कुरान उतारा गया है, जो तुझे दिया जा रहा है, कयामत तक तमाम इंसानों के लिए कुरान उतारा गया, हर फर्द मुखातब है इसका, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि नबी का हर उम्मती इस कुरान पाक का मुखातब है, गोया उसको दिया गया है, उस पर उतारा गया है। तो फरमाया कि अगर तुझे कुछ शक है तो उनसे पूछ, जो ईसाई है, जो यहूदी है, जो तौरात पढ़ते हैं, जो तलमूद पढ़ते हैं, जो इंजील पढ़ते हैं, जो माजी की कौमों से वाकिफ है, उनसे पूछ ले कि भाई क्या लिखा है आपकी किताबों में, ताकि मुताबकत देख कर तेरे अंदर यकीन पैदा होगी। ये कोई नया किस्सा नहीं है, कुरान कोई नई बात नहीं कर रहा है, अल्लाह की जो माजी में किताबें आती रही हैं उनमें भी ये वाकयात बयान किए गए हैं, उनमें भी ये उसूल और ज़ाब्ते बयान किए गए हैं। तो अगर उनसे रुजू किया जाएगा और या तकाबली मुताला किया जाएगा, ओल्ड टेस्टामेंट रखिए, न्यू टेस्टामेंट रखिए, तौरात रखिए, इंजील रखिए, उनकी शुरू रखिए और कुरान को सामने रखिए और उसके बाद मुताला शुरू कीजिए, तो इस तकाबली मुताले से आपके अंदर ईमान और ताकतवर होगा और ताजा हो जाएगा। और मैं कि अल्लाह की तरफ से हक आ रहा है, इसलिए किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, और किसी के लिए इसकी गुंजाइश नहीं है कि इसकी तकजीब करे, इसको गलत बताए। वो आदमी जाहिल है और उस अपनी अकल से काम नहीं ले रहा है, और ना मुताला है उसका, और ना वो माजी की किताबों से वाकिफ है, और ना कुरान के मजामीन से वाकिफ है। जो कुरान पाक को नहीं मान रहा है वो अपनी जहालत की गवाही दे रहा है, वो अपनी बेअकली का सबूत पेश कर रहा है, वो इसका सबूत पेश कर रहा है कि वो इल्म से महरूम है और उसके अंदर मजहबी की चीज़ों को समझने की सलाहियत नहीं है। बहरहाल अब जिन लोगों का हाल ये होता है कि वो बड़े बदकिस्मत होते हैं, मनहूस होते हैं, अल्लाह का अजाब उनके लिए तय होता है, जो बेईमान के बेईमान रहते हैं, वो जब तक सख्त और दर्दनाक अजाब न देख लें उनको तौफीक नहीं होती। वो भी वक्त के फिरौन होते हैं, फिरौन के मानने वाले होते हैं, जब डुबोया जाता है तो चीखते हैं मान लिया, जब जलजला आता है तो चीखते हैं, भी चीख कोई सुन भी नहीं पाता, पूरा शहर जमीन में दफन हो जाता है, बच्चे और औरतें और बूढ़े और बड़े जो भी थे उस कुफ्र के माहौल में सब दफना दिए जाते हैं, फिर किसी को मालूम भी नहीं होता कि आखिरी वक्त की चीखें क्या थी। हादसे पेश आते हैं और जहाज गिर जाता है, रेल टकरा जाती है, बस गिर जाती है, तो उस वक्त जो आखिरी वक्त होता है उसमें क्या चीखें होती हैं, लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, कौन सा खौफ और दहशत उन पर मुसल्लत होती है, उस वक्त वो अल्लाह को किस तरह पुकारते हैं, उन सदाओं को जरूरत है नोट करने की। काश के कोई शख्स ये काम करे कि जो आखिरी वक्त होता है, मरने का होता है या हादसे का होता है, उस वक्त इंसान जो कह रहा होता है, बिलबिला रहा होता है, चीख रहा होता है, उसको रिकॉर्ड करे। आज सूरत हाल ये है कि खेल तमाशे फिल्म गंदगी और यानियत को खूब रिकॉर्ड किया जा रहा है, वक्त के जो बदमाश और अय्याश और वक्त के शयातीन है वो सुबह शाम इसमें लगे हुए हैं, वो फोटो ले रहे हैं। उनको चाहिए कि फोटो लो मौतों का, लो बीमारियों का, लो जिन पर अल्लाह की तरफ से अजाब मुसल्लत हो रहा है या हादसे के वो शिकार हो रहे हैं, उस वक्त क्या हो रहा है इसको देखो, ताकि मालूम हो कि इस जिंदगी का खात्मा किस किस तरह होता है। और जब खात्मा होता है तो बड़े से बड़े फिरौन और बड़े से बड़े ताकत वाले क्या बोल रहे होते हैं, उसमें ईमान के लिए निशानियां होती, उसमें ईमान के सामान होते हैं। इसलिए जरूरत है
मैं कहूंगा नौजवानों से कि वो इस फिक्र में रहें कि कहां पर कोई ऐसा हादसा है, उस हादसे के वक्त सूरत हाल को खासतौर पर जो बोल जबान से निकले उनको नोट करें, रिकॉर्ड करें, ताकि उनकी बुनियाद पर फिर इंसान की जिंदगी के बारे में उस हकीकत को बयान करें कि वो इंसान जो अकड़ता रहा, इतराता रहा, तकब्बुर करता रहा, आखिरी वक्त में उसका क्या हाल हो। इसकी एक रिपोर्ट तैयार हो, 100, 200, 400 आदमियों की ये रिपोर्ट तैयार। अमेरिका में एक शख्स ने इसकी एक रिपोर्ट तैयार की कि जिन अफराद पर सकरात का आलम तारी हुआ, फिर उनको कुछ वक्त जिंदगी का मिला, उनसे सवाल किए गए कि आपने क्या महसूस किया, और उन्होंने जो महसूस किया उसको नोट किया गया। इंग्लिश में एक किताब लिखी गई थी, वहाँ तकी उस्मानी साहब ने उसका तर्जुमा किया, और इस दुनिया के उस पार गालिबन ये किताब का नाम है, जिसमें उन वाकयात का तस्करा किया गया है कि आपने इस मरहले में क्या देखा, क्या महसूस किया। तो अक्सर का ये बयान था कि हमने देखा, एक बात ये देखी कि पूरी जिंदगी की रील हमारे सामने दोहरा दी गई। जब से वजूद हुआ उस वक्त से अब तक के सारे वाकयात सामने सामने दिखा दिए गए, और फिर ये देखा कि एक बड़ी खाई है, बे इंतहा वसी और गहरी, उसमें गिरते चले जा रहे, गिरते ही चले जा रहे। ये मंजर अक्सर लोगों ने बयान किया और उसको नोट किया गया। इसी तरह आखिरी वक्त के मनाजिर जिनका इंतकाल हो रहा हो उनके हालात को नोट करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों और औलिया अल्लाह के आखिरी वक्त के हालात नोट किए गए हैं। सवाले निगारों ने उस वक्त की जो उनकी हालत है उसको लिखा है, कैसे उनके अंदर बिशारत का एहसास और अल्लाह पर एतमाद और ईमान की कैफियत और उनकी रूहानियत और आखिरत का शौक और जन्नत की फिक्र, ये असरात उनके यहाँ देखने को मिलते हैं, जिन पूरी जिंदगी जो इसी में गुजारते हैं कि अल्लाह के हुजूर जाना है और अल्लाह की रजा मतलूब है और अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, तो उनका आखिरी वक्त भी इसी की अलामत होता है, इसी का इजहार होता है। और जो दुनियादार होते हैं उनका आखिरी वक्त बड़ा गर्बनाक होता है। तो फिरौन के आखिरी वक्त की जो गर्बनाकी थी उसको तो अल्लाह मियां ने बयान कर दिया है, और जरूरत है कि हर दौर के ऐसे लोगों के हालात को, यानी जो भी इंसान है उनके आखिरी हालात को नोट किया जाए, और इसके लिए एक टीम हो जो यही काम करे, उनकी रिपोर्ट्स तैयार करे, और इन रिपोर्ट्स को शाये किया जाए ताकि लोगों के सामने हकायक आए। लोग भूलते हैं, गफलत में मुब्तला होते हैं, और यही गफलत है जो इंसान को तबाह कर देती है। इसलिए याद और हुजूरी की कैफियत के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए। وآخر دعوانا أن الحمد لله